आज मैं लाया हूँ मेरे डेली ब्लॉग में से एक पार्ट। तो मेरी क्लासेस खत्म होने के बाद मैं अपना होमवर्क करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना होमवर्क नहीं करता तो मेरे डैड मुझे नीचे मेरे दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाने देते। इसलिए मैं मेरी क्लासेस खत्म होने के बाद डायरेक्ट होमवर्क करता हूँ, ताकि मैं नीचे जा सकूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलने। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, अगर मेरा 15 मिनट्स का होमवर्क है तो मुझे हाफ एन आवर ज़रूर लगता है उसे कंप्लीट करने में। द रीज़न इज, आप देख ही सकते हैं क्या रीज़न है। ये देखिए स्मॉल स्मॉल पेंसिल्स। अगर मैं मेरा 15 मिनट्स का होमवर्क, उसमें से 15 मिनट्स मुझे शॉपिंग करने में जाते हैं और बाकी टाइम मैं राइटिंग करता हूँ। मुझे ना ऐसा चाहता हूँ कि मेरी राइटिंग एकदम क्लीन लगे, इसलिए बहुत टाइम लगता है। और ये देखिए, ये एक बॉक्स जो मेरा एक होमवर्क कंप्लीट होने तक हाफ तो भर ही जाएगा। और फिर मम्मा इसको देखते ही कितना कचरा फैलाते हो, और फिर शाम को पापा के आने के बाद लेक्चर सुनने को पूरा अच्छे से मिलता है। हम तो एक पेंसिल को हम एक मंथ तक चलाते थे और ऐसे बर्बाद हो रही है पेंसिल। मैं बोलता हूँ ठीक है पापा, अगली बार से ध्यान रखूंगा, और अगली बार वही हाल हो जाता है। मैं अभी मैथ्स का होमवर्क कर रहा हूँ, पर मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का होमवर्क करने में बहुत मजा आते हैं, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आज भी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास थी और मैंने एक अमेजिंग सी ड्राइंग बनाई है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस डेली व्लॉग। अब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। बाय।